बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज जो है वो हमारे घर आ रहे थे मेहमान, तो अचानक हमारे पास कॉल आया। तो हम लोग दोपहर के खाने से फारिग हो गए थे और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहे हैं तकरीबन 6:30 के करीब, और वो लोग 7 बजे तक हमारे पास पहुँच जाएंगे जो मेहमान हमारे आ रहे हैं। तो कौन आ रहा है मेहमान ये आप लोगों के लिए जो है वो सीक्रेट है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कौन मेहमान आ रहा है हमारे। तो जी जैसे ही उनकी कॉल आई हमारे पास कि हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं फ़ौरन से जो है नीचे उतरी सौदा लेने के लिए, क्योंकि उनकी जो मेरे देवर के साथ जो है मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उनके देवर की भी शादी हुई थी, तो वो हमारे मेरे हस्बैंड जो है उनके रिलेटिव ही हैं, तो वो पहली बार जो है तकरीबन दुल्हन जो है वो हमारे घर आ रही है, उनकी बहू यानी कि जिन जो कज़न है। तो मैं सामान क्या लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो जी एक मिनट, लेकर आई थी वो मैं ये लाई हूँ, चावल लिए हैं तकरीबन वो जो है 2-3 अफराद तकरीबन, नहीं 4 अफराद हैं वो लोग, सिर्फ लेडीज़ जो है वो आ रही हैं। और जो है ये शबीर अंदर जाओ, आप बाजी के पास जाओ। तो ये जो है ट्यूशन का बच्चा आया था पढ़ने के लिए, और ये चावल लाई हूँ मैं, चावल के साथ चिकन जो है वो बनेगी, क्या बनेगा चिकन ये भी आप लोगों को जब पकाएंगे जब बताएंगे। और यहाँ जो है सामान बाकी जो है ग्रॉसरी मैंने कर ली थी, तो ये सिर्फ खीरा लाई हूँ मैं सलाद के लिए, और जी दही आई है रायते के लिए, और ये शाम की चाय के लिए जो है अभी ज़ाहिर आएंगे तो चाय पियेंगे, शाम की चाय के लिए थोड़ा सा नाश्ता लिया है, और ये जो है मीठे के लिए लिया है ये दूध। तो ये मैं जो है अभी मैंने अबाया भी नहीं उतारा था, तो अब बिना अबाया उतारे ही जो है मैंने बोला पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे घर में आज कौन आ रहा है। तो आगे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, तो आगे आप लोगों के साथ और बातें होती रहे। और जी यहाँ जो है वो हमारे मेहमान आ चुके थे, और हमने इनके लिए जो है तकरीबन इनके आने के 10-15 मिनट बाद जो है ये नाश्ता हम लोगों ने लगाया। और ये जो हैं ये मेरी हैं सिस्टर इन लॉ की सास, और ये इनकी अम्मी हैं जो बराबर में बैठी हुई हैं, ये इनकी अम्मी हैं। और यहाँ जो है हम लोग नाश्ता इंजॉय करेंगे, मेरी बेबी आ गई थी, और ये जो है बच्चा आप देख रहे हैं क्यूट सा माशाल्लाह सा स्वीट सा माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये जो है मेरी कज़न यानी कि मेरे शौहर की जो कज़न है उनका बेटा है ये, माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये। और बाकी ये कि हम लोग सब नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ बड़े ही मज़ेदार सी जो है वो गपशप जो है वो लगी हुई थी, और यहाँ थोड़ी देर में चाय भी आ गई थी, तो हम लोगों ने बहुत मिल के नाश्ता एंजॉय किया, बातें भी करी। और यहाँ मैं आ गई थी थोड़ी देर के बाद किचन, और जो है यहाँ मैं किचन में आ गई थी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो है मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी, और मेहमान जो है अंदर कमरे में ही थे, वहाँ जो बड़े बैठे थे उनसे वो बातें हो रही थी वहाँ पर। यहाँ मैं बना रही थी चिकन बिरयानी बहुत ही जल्दी, और यहाँ मैंने सामान सारा तैयार कर लिया था, यहाँ सलाद रायते की तैयारी हो रही थी, और सामान जो है मैंने सारा निकाल लिया था, और तकरीबन यहाँ 2.25 किलो के करीब जो है वो बिरयानी में तैयार कर रही थी, जिसके अज्जा मैंने काट कर रख लिए थे, चिकन थी ये, बाकी मसाला था सारा, जो मसाला ऐड होता है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस आज मैं बताऊँगी मैं कि कितनी जल्दी जल्दी जो है मैं पका रही हूँ। यहाँ मैंने खड़े मसाले जो लिए थे वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तेल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 7.5 चम्मच जो है ना वो तेल ऑयल ऐड किया है इसमें, और इनको थोड़ा सा कड़ा लूँगी अच्छे से, और जब ये अच्छे से कड़क यानी कि हो जाएंगे अच्छे से, इसमें खुशबू भी आने लगेगी, तो इसी के साथ जो है मैं इसमें प्याज़ ऐड कर दूँगी। और इसमें जो है मैं प्याज डाल दी थी जो मैंने काटी थी, प्याज मैंने ली थी तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज ली थी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करूँगी, लाइट सा ब्राउन करूँगी बिल्कुल। और इसी के साथ जो है फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, ये हल्के सी फ्राई हो जाएगी हमारी भी, पता नहीं क्यों इस वक्त ऐसा हुआ कि गैस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन फिर भी जो है हमारा काम हो गया था अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ जो है ये प्याज़ मेरी जो है लाल हो गई थी यानी कि लाइट सी ब्राउन हो गई थी, मैंने इसी के साथ इसमें चिकन ऐड कर दिया था, चिकन के साथ सारा सामान मेरा जो ऊपर था वो उसको मैंने सब को सामान को वो मैंने नीचे रख लिया, और नीचे रख कर जो है मैंने
फिर ये अपना पकाना, क्योंकि पतीला जो है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा था तो ऊपर चूल्हों पे वो एडजस्ट नहीं होता। और फिर जो है ये जो नीचे रखा ना इस, ये अंगीठी है, अंगीठी पे जो बात होती है ना चावलों की पकने की, वो चूल्हों पे भी पक जाते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे चावल भी ज़्यादा थे और पतीला भी मेरा बड़ा था तो इसलिए मैंने नीचे बाहर अंगीठी निकाल के इस पर पकाना मुनासिब समझा। और इसी के साथ मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी अच्छे से, और चिकन को मैंने अच्छे से ऑयल में पहले फ्राई कर लिया था, इसके बाद टमाटर डाल दिए थे, बस सारा सामान जो हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने तकरीबन 3 चम्मचे जो है भर के कुटी हुई मिर्चें ली थी, और 1 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। और ये 1.5 किलो के करीब चावल थे मैं हमारे, और ये सब मैं जो है अलग से निकाल के नहीं रखा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, बस जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लोग आते आते उनको जो है वो थोड़ा लेट हो गए थे उन्हें, क्योंकि जो रास्ता है उनका न्यू कराची से आना था, तो शाम के टाइम जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता। इसी के साथ मैंने ये अपना हरा मसाला निकाला था, लहसुन अदरक था इसमें, हरी मिर्च, गरम मसाला, इसको जो है हल्का सा मोटा मोटा जैसे पेस्ट सा बना लिया था मैंने, वो भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से मुर्गी इसमें गल जाए। और ये इमली मैंने इसमें ऐड कर दी थी साथ ही, और इसके साथ जो है मैं इसको ढककर रख दूँगी और इंतज़ार करेंगे फिर इसके चिकन के गलने तक का। जब इसके साथ ही जो है मैं बाकी काम भी देखूँगी कि क्या काम मेरे हो सकते हैं, निमट सकते हैं जल्दी, गैस कम थी नहीं तो मैं ऊपर जो है वो दूसरी तैयारियां भी करती। और ये हमारा जो है वो गल गया था। और जी इसके साथ ही जो है मैंने इसमें पानी ऐड किया था थोड़ा सा, ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छे से गल जाए। और अब ये भुनाई के ऊपर था, चिकन गल गई थी अच्छे से, मैं इसमें दही ऐड करी है ताकि ये जो भुनाई पे आ रहा था ये, जब मैंने इसमें दही ऐड करी है, मैंने दही जो है इसके मसाले के साथ नहीं डाली, क्योंकि दही को आप जो है हमेशा भूनते हुए ऐड करें। एक मेरे पास ये नींबू था तो फ्रिज में था, तो मैंने बोला ये भी ऐड कर दूँ इसमें। और यहाँ मैंने 3-4 जो है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेके इनको बीच से कट कर लिया था, और पुदीना ऐड किया है मैंने इसमें। ये देखिए आप कैसा ही बड़े मज़ेदार सा मसाला जो है इसका बिरयानी का हमारा तैयार हुआ है। और मैं इसमें जो है नमक और मिर्चें चख रही थी कि क्या हिसाब किताब है इनका, कम तो नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने जो है वो अपना अंदाज़ा ही इस्तेमाल किया है सारा, अलग से निकाल के पैमाना नहीं इस्तेमाल किया, बस अंदाजे से डाला, क्योंकि चावल हमारे जो है वो ज़्यादा थे। और अब जो है ये एक बार फिर मैंने इसको ढककर थोड़ा इनको टाइम दिया कि हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो भी गल जाएं, और इसको और फ्लेम को तेज़ करके मैंने इसको अच्छे से भुनाई करी इसकी। और यहाँ चावल की बारी है जी, तो चावलों को मैंने खूब अच्छी तरीके से धो लिया था। ये हमारे जो चावल हैं ये भीगने वाले चावल नहीं हैं, बास चावल जो होते हैं वो 1.5 घंटे पहले भीगते हैं, ये भीगने वाले नहीं हैं। जब आपको यानी कि इसमें मसाले में चावल ऐड करना है, बस उससे 5-10 मिनट पहले आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, ताकि मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया था ताकि इसका जो पीलापन है पानी का, चावलों में जो है अक्सर पीला पीला पानी निकलता है, तो जब तक पानी वाइट नहीं हो जाता मैं इनको अच्छे से धोती रहती हूँ। और यहाँ मैंने तकरीबन जग भर के इसमें जो है वो पानी ऐड किया था, और पतीले में डाल के साफ़ कर लिया था ताकि कोई दाना जो है वो अच्छे से, वो दाना जो है वो इसमें रह ना जाए। और पानी मैंने चेक किया, इसमें पानी की मुझे और ज़रूरत थी तो मैंने इसमें और ऐड किया था पानी, और इसी के साथ मैंने नमक मिलाकर इसको अच्छे से चक के और फिर बॉयल आने तक के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पानी जो है मेरा चावलों का खुश्क हो गया था, और मैंने इसको फिर दम की तैयारी कर रही थी मैं इसके, अब ये दम पर थे, मैंने नीचे उतारा, थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है। यहाँ मैं जो है तवा गरम करने के लिए रख दूँगी कि जब तक मैं इसमें ये जर्दे का रंग और पानी का छींटा डालूँगी, इतने में जो है हमारा तवा वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, मुझे कम लग रहा था, और इसी के साथ जो है मैंने ये जर्दे का रंग भी मिला दिया चमचे से, ताकि अच्छी तरह चावलों में जो है वो मिक्स हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए चावलों में। और ये बाकी एंड में बचा हुआ मैं सारा इसमें मिला दूँगी। और जर्दे का रंग जब तक आप चावलों में नहीं डालें तो अच्छा नहीं लगता है वो बिल्कुल भी। और इसी के साथ जो है तवा हमारा भी है बाकी, तो मैं इसको हिला कर और इसको दम पर रख दूँगी अच्छे से चावलों को। और फ्लेम मेरा जो है अभी तेज़ ही है, और ये दुपट्टा मैं इस पर
चावलों के पतीले के ढक्कन पे कवर करूँगी। इससे ये होता है कि जो भाप बनती है ना, वो भाप का जो पानी होता है वो इसके चावलों के अंदर नहीं गिरता। उससे ये होता है कि चावल दबने का डर नहीं हो। अगर चे चावलों में पानी ज़्यादा भी हो गया थोड़ा सा, तो वो इसकी जो भाप बनती है ना, वो इसको जमा नहीं होने देता, वो उसको अपने अंदर जब्स कर लेता है। दुपट्टे से ये काम होता है। और चावल जो है मेरे अच्छे से दम हो गए थे, ये देखें आपको मैं पलट के दिखा रही हूँ। एक बार मैं चेक कर रही थी कि इसमें कोई कसर तो नहीं है, कि ये पानी की और ज़रूरत तो नहीं है। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इसमें, ये बहुत अच्छे से जो है वो दम हो गए थे। और मैं इसको थोड़ा सा मैंने निकाला था कि मैं इसका जो है चख लूँ। और जी यहाँ आ जाती है तैयारी, मैं कर रही थी यहाँ शीर कौरमे की तैयारी। बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हुए थे। यहाँ मैंने दूध को निकाल और यहाँ मैंने जो है वो दूध निकाल लिया था। दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें पानी मैंने ऐड किया है तकरीबन अच्छा खासा, तकरीबन मैं 1.5 किलो दूध था तो मैंने इसमें आधा किलो के करीब पानी ऐड किया, ताकि सिवैयाँ जब हमारी पकें तो दूध हमारा गाढ़ ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और यहाँ मैं सिवैयों को अच्छे से चूरा कर रही थी, ताकि जो है मैं इसको ऑयल में फ्राई कर सकूँ। और ये भी मैंने अंदाज़े से ही ली हैं, बस के जितनी अच्छी लग सकें। सिवैयाँ जो हैं वो अच्छी लगती हैं दूध में। और इसी के साथ मैंने यहाँ पतीले में जो है वो ऑयल रख दिया था। और मैं अब जो है इनको सिवैयों को हल्का सा, ये तो वैसे ब्राउन ही है, बस हल्का सा फ्राई करने के करूँगी इनको जो, ताकि ये फ्राई हो जाए। और ये शीर कौरमे में सिवैयाँ जो है वो फ्राई होके डलती हैं। और सिवैयाँ मेरी यहाँ फ्राई हो गई थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधे कप के करीब जो है वो, उससे भी कम ही है, साबूदाना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इससे जो है ना बहुत अच्छा थिकनेस आ जाती है आपके शीर कौरमे में। अगर आप लोग नहीं ऐड करते हैं तो किसी दिन इस ऐसा पका के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा जो है आपका शीर कौरमा बन के तैयार होगा। यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, वो मैंने रख लिए थे कटिंग करके। और जी ये जो है दूध में बॉईल मेरा आ गया था अच्छे से, और मैंने फ्लेम जो है इसका थोड़ा सा तेज़ ही रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा पकता रहे। और इसी के साथ जो मैंने ये ब्राउन करी थी हल्की सी घी में सिवैयों को अपने, वो इन इसमें अच्छे से मैं मिला दूँगी। और इसी के साथ मैं जो है सिवैयाँ मिलाते के साथ ही आप रंग देखें इसका कितना चेंज हो गया, तब्दील हो गया, घी घी यानी कि जैसे ऐसा अच्छा सा कलर आ गया। और इसमें चीनी ऐड कर ली थी मैंने, जितना इसमें मीठे की ज़रूरत थी, कोई मीठा तेज़ खाता है कोई कम। यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो ऐड कर लिए थे। और यहाँ मेरा मज़ेदार सा जो है शीर कौरमा वो बन के रेडी हो गया था। और यहाँ जो है वो बहुत अच्छे सा ये बड़ा मज़ेदार सा शीर कौरमा तैयार हुआ था। और मैंने इसके ऊपर डिश में इसको डिश आउट करके इसको अच्छे से वो कर दिया था। और यहाँ जी बारी आ जाती है दस्तखान की, और इसी के साथ जो है मैंने दस्तखान लगा लिया था। और यहाँ खाने की तैयारी हो गई थी हमारी, खाना रेडी हो गया था, क्योंकि इन लोगों को वापस भी जाना था, तो हमने इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया। जैसे हमारा खाना रेडी हुआ वो हमने फ़ौरन से दस्तखान लगा लिया, क्योंकि इनको वापस न्यू कराची जाना था। और ये सिर्फ जो है वो लेडीज़ लेडीज़ आई थी और जेंट्स नहीं थे साथ जो है ना, तो दस्तखान लग गया था हमारा। हमने बहुत मज़े से जो है दस्तखान इंजॉय किया। और इसी के साथ जो है मीठा भी हम लोगों ने साथ ही रख दिया था, और आधे लोग खा रहे थे और आधे जो है ना आधे ने खाना जो है वो इंजॉय कर लिया था बिल्कुल। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी। और अभी जो है मीठा चल रहा है, किसी के पास मीठा है, कोई अपनी बिरयानी की प्लेट ही साफ़ कर रहा है। और बहुत मज़ा आया वाकई में, घर में मेहमान आ जाते हैं और जो है वो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ इसी के साथ जो है इनके जाने की तैयारी हो गई थी। हम लोगों ने चाय बनाई थी, चाय इंजॉय करी, और फिर रात जो है वो काफ़ी हो गई थी। तकरीबन इस वक्त 12:30 का टाइम है। और ये मेरी सास और ये मेरी सिस्टर इन लॉ की सास, मेरी भी कज़न लगती हैं ये। और ये हमें जो है वो रुख्सत, हम इनको रुख्सत कर रहे थे ये जाने के लिए, तैयार हो गई थी कि बस अब हम घर के लिए निकलें। तो हम सब जो है मिल रहे थे इन सब से अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। और यहाँ जो है बाहर आ गए थे हम, बाहर खड़े होकर भी जो है, हमारे अक्सर ऐसा होता है कि जब जो है कोई जाता है तो हम लोग यहाँ 5-10 मिनट रुक के यहाँ दरवाजे के पास बातें करते हैं, और फिर जो है उसको उनको रुख्सत करते हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कर फिर मिलेंगे आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।